वॉशिंगटन सुंदर ने किया बड़ा खुलासा कोच गौतम गंभीर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या उन्होंने खुलासा किया है और क्या ऐसी वो बात रही और कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी रही होगी। नए कोच का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू हुआ है। हालांकि T20 की हम पहले बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत रही है। T20 में 3-0 से भारत जीता और बहुत ही बेहतरीन तरीके से न केवल बैटिंग में कमाल किया बल्कि बॉलिंग में कमाल किया। सूर्य कुमार नए कप्तान नियुक्त किए गए नए कोच के असाइनमेंट के साथ। लेकिन ये श्रृंखला जो रही T20 की, ये बहुत ही शानदार रही, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आए स्पेशली इन बैटिंग। हम बात करेंगे अगर बल्लेबाजी की तो वहां पे ऋषभ पंत ने अच्छा काम किया, सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा काम किया है, शुभमन गिल ने भी कई मौके पे शुरुआत दिलाई है। लेकिन जब हम बॉलिंग की बात करें तो T20 में तो बहुत अच्छा था लेकिन वनडे में संघर्ष करती नजर आ रही है भारतीय टीम। अब तक खेले गए 2 मुकाबलों की अगर हम बात करें इस श्रृंखला में तो श्रीलंका ने अब तक 1-0 की बढ़त बना ली है। पहला मैच टाई था, लग रहा था कि भारत बहुत आसानी के साथ जीत जाएगा लेकिन स्पिन फ्रेंडली विकेट पर भारतीय टीम लड़खड़ा गई और मैच को टाई करा लिया श्रीलंका ने। हालांकि T20 में तो टाई के बाद सुपर ओवर होता है लेकिन ODI में केवल नॉकआउट के टूर्नामेंट में ऐसा होता है। इवेंट की हम बात करें तो ICC के इवेंट्स में होता है। सुंदर ने गंभीर की तारीफ की और उन्होंने बताया कि किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में स्पिन के खिलाफ आप खेल सकते हैं और इस बात को लेकर उन्होंने खुलासा किया, कुछ टिप्स दिए अगेंस्ट द स्पिन आपको कैसे खेलना है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें अगर हो रही है, ये बयान निकल के आ रहा है, तो मैं इसके पीछे का कारण आपको बता दूं। पहले मैच में आपने देखा ODI में हसरंगा ने कमाल की बॉलिंग की, विल्ला लगे ने साथ दिया बॉलिंग में, यानी स्पिन गेंदबाजों का बहुत बोलबाला था। विराट कोहली को हसरंगा ने आउट किया और वहां पर इंडिया टीम नतमस्तक हो गई स्पिन के खिलाफ। दूसरे में तो वंडर बॉय विंडरसे जिनका नाम है, विंडरसे इनका नाम है और इन्होंने तो कमाल कर दिया। फिर देखते ही देखते भारत के 6 विकेट गिर गए और ऐसे में भारत वो मुकाबला हार गया। वाशिंगटन सुंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मैच शुरू होने के पहले, कल की हम बात करें ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिस कह सकते हैं, और उन्होंने ये बात ऐसे समय कही है जहां पे भारत को स्पिन की बहुत जरूरत है। आप देख सकते हैं कि आज जो मुकाबला अभी होने वाला है, तीसरा एक दूसरी मुकाबला, उसमें स्पिन के खिलाफ क्या रणनीति होगी। उन्होंने कहा कि जो टिप्स मिला है स्पिन फ्रेंडली विकेट पर वो बहुत अच्छी हमें टिप्स मिली है, खासकर हमें कैसे स्पिन के खिलाफ खेलना है। तो देखना है कि इस संघर्ष करती हुई भारतीय बल्लेबाजी में गौतम गंभीर का क्या नया प्लान है, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। कैसे खेलेगी भारतीय टीम ये तो मैच के बाद ही परिणाम तय होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, अपने बैटिंग स्किल में इंप्रूवमेंट लाना ही पड़ेगा। गौतम गंभीर का अच्छा करियर रहा है स्पिन के खिलाफ, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनकी नई स्ट्रेटजी कैसे और कितना काम आती है इस मुकाबले में। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा कमेंट करके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके और लाइक करके।